श्रद्धा रिहैबिलिटेशन है फाउंडेशन संस्था करजत मुंबई और बड़वानी सेंधवा के सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़वानी पुलिस प्रशासन की सहायता से रामजीलाल को उसके परिजनों से मिला दिया गया। वहीं बड़वानी में एक अद्भुत कहानी सामने आई है। रामजीलाल जो कि पिछले 5 वर्षों से भटक रहे थे, केरल पहुंचने के बाद एक सामाजिक संस्था ने उनकी मदद की। इस संस्था ने उन्हें मुंबई के श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन भेजा, जहाँ उनका समुचित इलाज किया गया। करीब 3 महीने में संस्था को बड़वानी सेंधवा राजपुर और खरगोन का क्लू मिला। फाउंडेशन के अजय राजपूत ने सोमवार रात तक रामजीलाल को बड़वानी लाया और बड़वानी पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। वहीं बड़वानी थाने ने जिले के सभी थानों पर सूचना दी और बड़वानी के सामाजिक कार्यकर्ता अजय जैन तथा रोटरी क्लब के सचिव ललित जैन को भी सूचित किया गया। अजय जैन और ललित जैन ने रामजीलाल की पहचान में मदद की। पता चला कि वह सेंधवा के आसपास का है और आदिवासी समाज से है। इस जानकारी को मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी से साझा किया गया। श्री सोलंकी ने पुष्टि की कि रामजीलाल वारेला समाज का है। इसके बाद सोशल मीडिया पर संदेश और फोटो शेयर किए गए। मानव सेवा समिति के नीलेश जैन ने सेंधवा और आसपास के क्षेत्रों में संदेश फैलाया। वहीं मंगलवार सुबह 10:30 बजे पठान भाव सिंह आर्य पटेल उप सरपंच पंचायत वाक्या पोस्ट धनोरा तहसील सेंधवा जिला बड़वानी ने अजय जैन को सूचित किया कि रामजीलाल उनके गांव का है। परिजनों ने फोटो देखकर रामजीलाल को पहचान लिया और बड़वानी के लिए निकले। जब बहन प्यारी बाई भाई को देखकर मिली तो खुशी से लाड़किया और रोते हुए जब भाई नहीं था तो वह पीपल को राखी बांधती थी और प्रार्थना करती थी। आज भाई मिलने की खुशी झलक रही थी। वहीं बड़वानी पुलिस स्टेशन में SDOP दिनेश सिंह चौहान, TI दिनेश और SI आशिक खान के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच बहन ने थाने में राखी बांधकर अपनी खुशी व्यक्त की। क्या नाम का? प्यारी भाई। आ रहे हो? वाई क्या? आज ये थाने पर आप क्यों आए? ये मेरे भाई 4 साल से घूम गया थी। ये अजय जैन यहाँ बड़वानी जिला में लाया मेरा भाई का ढूंढ के। 4 साल से घूम गया मेरा भाई, क्या भी आदि जैन लाया यहाँ बड़वानी जिला में लाया। त्या फोन लाया, फोन लगाया, त्या आया दिन भरे पानी आया ते भी हम आई गया मेरा भाई का आज ढूंढता ढूंढता। मैं आज राखी बांधी पीपल पर झाड़, मेरा भाई होता तो मैं मारा भाई का बांधती। मेरा भाई घूम गया थे, अभी किसको बांधो मैं करूँ पीपल का झाड़ को और बांधी। तो आज की आज फोन आई गया कि तेरा भाई वहाँ बड़वानी में है, फोरिन बोल फोन माँ बोल देता कि हम ढूंढता ढूंढता आई गया। तो ये हमारा भाई थाना पे है ते और इनमें राखी बांध दी मेरा भाई का जो अच्छा लग गया। कहाँ घूम गया था आपका भाई? मेरा भाई घर से भाग गया, पहले भाग जाता था, पागल है गया थी, भाग जाता था वापस आ जाता एक महीना में। अभी का 4 साल से भूल गया, रास्ता भूल गया, दूर भाग गया, मिलिया नहीं उसका रास्ता भी नहीं मिलिया। इसके मौका इनके वहाँ गया ती लाया यहाँ बड़वानी जिला में। कैसा लग रहा आपको? खुशी लग रहा है, मेरा भाई मिल गया, राखी बांध दे दी मैं। पहले भी बांधती थी, मारा भाई था ती बांधती थी, अभी मारे भाई घूम गए थे, अभी किसको बांधो को मैं पीपल का झाड़ पर बांधी मैं, रोड के जाइन बांधी मैं ती मेरा भाई। उससे दिन मेरा भाई की फोन आई गया कि वहाँ बड़वानी में है। चार पाँच साल है गया। भैया एक युवक को बड़वानी लाए हैं, क्या है प्रोजेक्ट? मुंबई से श्रद्धा फाउंडेशन के सदस्य एक युवक को बड़वानी थाने पे लेकर आए थे, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन ने मुझे दी। मैं और रोटरी क्लब के सचिव ललित जैन मौके पर पहुंचे और युवक से बातचीत करने का प्रयास करा, तो बातचीत से हमको मालूम पड़ा कि आदिवासी समाज से है। और उसके बाद हम इसे राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह जी सोलंकी के पास लेके गए। उन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि ये वारेला समाज से है और लगभग सेंधवा तरफ का रहने वाला है। उसके बाद हमने सेंधवा के मानव सेवा समिति के नीलेश जैन से संपर्क करा और लगभग 150 ग्रुपों में व्हाट्सएप के माध्यम से इस भाई के का डिटेल और फोटो वायरल की। जब जाके आज वाक्या के उप सरपंच पठान आर्य का फोन आया कि इनके परिजन वाक्या के ही रहने वाले हैं और ये बड़वानी के लिए इनको मैं रवाना कर रहा हूँ। आज शाम को ये बड़वानी थाने पर आए, बहन और परिवार वाले इसको देखकर खुश हो गए। बहन ने बताया कि भाई 4 साल से नहीं था तो मैं पीपल को राखी बांधती थी, आज उन्होंने पुलिस थाने पर ही भाई को राखी बांधी और अपनी खुशियाँ मनाई।
कहाँ घूम गए थे इनके भाई? इनके भाई मतलब बाकिया से ही कहीं निकल गए थे, जो भटकते भटकते केरल गए। केरल से एक सामाजिक संस्था ने मुंबई की श्रद्धा फाउंडेशन को सुपुर्द करा, जहाँ 3 महीने तक श्रद्धा फाउंडेशन ने उसका इसका इलाज किया। और जब जाके उसने बताया कि मैं बड़वानी खरगोन का रहने वाला हूँ, तो ये भाई यहाँ बड़वानी लेकर आए और परिजनों को हमने ढूंढने में मदद करी। परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।